नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन से जुड़ी, देंगे पूरी विस्तार से जानकारी। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले आप देख रहे हैं वाह फ्रीडिस यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ इरफान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन से जुड़ी, और हम आपको बता दें डीडी फ्रीडिस का 71वीं ई ऑक्शन जो हो रहा है वो एमपीईजी 4 स्लॉट्स के लिए हो रहा है, जो कि एमपीईजी 4 स्लॉट्स में टोटल 2 स्लॉट्स खाली है। उन दोनों स्लॉट्स के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया रखी गई है, जो प्रसार भारती की ओर से 71वीं ई ऑक्शन रखा गया है 11 जुलाई 2023 को। उसके लिए आज यानी 10 जुलाई 2023 को जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है 2:00 PM तक। वहीं बात करें प्रसार भारती की ओर से डीडी फ्रीडिस की 71वीं ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया होगी कल 11 जुलाई 2023 को होगी, और उसमें वही चैनल पार्टिसिपेट कर सकेगा जो आज 2:00 PM से पहले पहले अपनी चैनल्स की एप्लीकेशन सबमिट करने में कामयाब रहेगा। फ्रेंड्स, वहीं बात करें आज देखना होगा कि कौन कौन से चैनल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में कामयाब रहते हैं जो कि कल डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि हम सबके लिए कौन सा चैनल डीडी फ्रीडिस पर ऐड होने जा रहा है 18 जुलाई 2023 से, क्योंकि आज जो भी चैनल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा वही कल 11 जुलाई 2023 को डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन में बोली लगा सकेगा। और फ्रेंड्स, देखना होगा कि 71वीं ई ऑक्शन में कौन सा ब्रॉडकास्टर अपने चैनल्स के लिए स्लॉट विन करने में कामयाब रहेगा, क्योंकि अभी किसी भी ब्रॉडकास्टर की ओर से कोई इंफॉर्मेशन तो निकल के नहीं आ रही है कि डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन में कौन कौन से ब्रॉडकास्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखना होगा फ्रेंड्स कि डीडी फ्रीडिस के 71वीं ई ऑक्शन में कौन सा सरप्राइजली चैनल्स आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।